वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, असी सारे अपने वीर जो यात्रा ते हेमकुंड साहब नूं जा रहे हाँ, सारे यात्री गोबिंद घाट ते पहुँच चुके ने। ब्रेड पकौड़ा, समोसा, हुण असीं आ पुल ते जा रहे हां। वाहेगुरु जी, आ देखो जी किन्नी सारी मोटरसाइकिल खड़ियां ने। ऐ पुल दी सपोर्टां, कृपा कूड़े को कूड़े दान में डाले, सफाई में भगवान बसते हैं। ये पुल के ऊपर हम चल रहे हैं। अब हम पुल के ऊपर चलते चलते आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, पुल के नीचे नदी बह रही है और यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है। देखो पुल का स्ट्रक्चर, ऊपर पहाड़ बने हुए हैं, यहाँ पर मकान भी बने हुए हैं। दूसरी तरफ पुल के ये गाड़ी आ रही है। ये अब दूसरी गाड़ी आ रही है। ये हम अब पुल के दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं, पुल पार करके। संग जी, साडे बाबा जी उपर तो आ रहे ने दर्शन करके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पार्किंग दे विच गड्डियां लगी हुई ने, फोकस कर तुम दिखाने। साडे वीर उपर तो आ रहे ने। ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਪਿਘਲਦੀ ਪਾਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਰਨਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਠੂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ,
छोटे बच्चे दे अलग रेट है, जो किराया है पिट्ठू का। असंगत के दर्शन करते रहो। आ देखो जी, ग्लेशियर के बिल्कुल नेड़े पहुँच चुके हैं। वाहेगुरु जी, नाम की है भाजी थोड़ा? इतने किन्ने चिर तो दुकान कर रहे हो? यहाँ पर कितने समय से दुकान आपकी? एक महीना हो गया। और संगत काफी आ रही है? संगत काफी आ रही है, आजकल थोड़ा बहुत कम है। ठीक है जी। संगत जी देखो, संगता जो कि पिट्ठू ते पहुंच चुकी ने, असि भी गुरु की कृपा नाल गुरुद्वारा साहब पहुंच चुकी हां। जय पांडे महंत गुबारा, हर का नाम संगो जियारा, जहां पत रखो न सियानो, हर का नाम तह नाल पहचानो। जय महा भयान तप्त भव काम, तहर के नाम के तुम ऊपर श्याम, जहा त्रिखा मन तुझिया करख है, तह नानक हर हर अमृत बरखा है। संगत जी, सरोवर दे दर्शन करो, जिथे कि अमृत कुंडी भरिया होया है, स्नान करो, दुख दर्द दूर होंदे आ। देखो संगत जी, गुरुद्वारा सचखंड श्री हेमकुंड साहिब, संगता भी काफ़ी आई हुई ने गुरु घर। संगत जी देखो, सामने पहाड़ ने जिन्हां ते बर्फ ही बर्फ है, सानू भी गुरु की कृपा ने दर्शन होए ने गुरुद्वारा साहिब के। नाल ही मंदिर है लक्ष्मण जी का। आ देखो वाहेगुरु जी, संगत जी आ देखो, बर्फ ही बर्फ। देखो जी, बर्फ पिघल के जल रूप में बह रही है। आ देखो संगत जी, संगता फोटो खिंच रही ने और खिंचवा रही ने, तस्वीरां तुसी देख सकते हो। वाहेगुरु जी, इधर दुकान भी बनी हुई है छोटी जी, पहाड़ा दे खूबसूरत नज़ारे। संगत जी, इत्थे निशान साहिब लगे हुए ने, जो कि असी संगत जी निशान साहिब दे दर्शन करो। और देखो जी, पहाड़ा ते कितनी सोहनी सुंदरता है, जो कि पिघल के ये चोटियां का जल नीचे नू आ रहा है। आ देखो जी, साडा वीर गुलाब जो कि बर्फ नाल खेल रहा है। संगत जी दर्शन करो रब वर्गी संगता दे। इधर वीर जी बर्फ की सफाई कर रहे हैं, साडे वीर जी, सत श्री अकाल जी। संगत जी, हुण असी वापसी नीचे नू जा रहे हैं। देखो किन्नी बर्फ है वाहेगुरु जी। हुण असी हेमकुंड साहिब तो पहले जावांगे धाम ते, गोबिंद धाम ते। गोबिंद धाम तो बाद देखते हैं गोबिंद घाट ते पहुँचते हैं। इस सामने बोर्ड आ चुके हैं, जो कि लिखा हुआ है ऋषिकेश 271। देखो जी, पेड़ वगैरह लगे हुए ने, सामने दुकाना भी बनिया हुई ने। देखो जी, संगत जी देखो, इधर गड्डियां भी खड़िया ने, बसा भी खड़िया ने, जो कि संगत दूर दूर तो आई है इन्हते। देखो जी, सामने कार भी आ रही है। वो लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देखो जी,